उत्तर प्रदेश राज्य में सतर्कता बरते जाने के निर्देश हमने दिए हैं। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जांच करने के लिए और संदिग्ध मरीज हैं उनकी जांच करने के लिए और विदेश यात्रा से आए यात्रियों पर विशेष नज़र रख करके उनकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। विदेश यात्रियों पर नज़र रखेंगे कि कोरोना महामारी को लेकर चाइना में और अन्य राष्ट्रों में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका को समझता है और हर स्थिति में सभी अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं मरीजों को भर्ती करने के लिए, हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको लगातार सुचारू रूप से चालू रखने के लिए और जो वेंटिलेटर्स हैं उनको भी हम तुरंत चालू रखने के निर्देश दें। सर, भारत जोड़ो यात्रा भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप जानते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी आपको बताया होगा कि वहाँ पर जो हिमाचल के मुख्यमंत्री महोदय शामिल हुए थे राजस्थान में और उनको कोविड हुआ है, तो मुझे लगता है कि ऐसी सभी यात्राएँ जहाँ भीड़भाड़ होती है हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। प्रदेश और देश के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हर स्थिति में पालन करना चाहिए। जो भी इसका उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ कुछ न कुछ जनता अवश्य सोचेगी और यदि आवश्यक हुआ तो हम कार्रवाई करने पर भी विचार करेंगे। अभी कितने केसेस निकल के आ रहे हैं यूपी के अंदर? अभी हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, कोई चिंता की भी बात नहीं है, लेकिन चाइना और अन्य राष्ट्रों में बढ़ते हुए कोरोना महामारी को देखते हुए हमने प्रदेश में सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए।